अब जो है वो मैंने एक ओपनिंग पे परचेस किया था फर्स्ट अप्रैल 2020 पे और एक फर्स्ट जनवरी पे जो फर्स्ट अप्रैल पे मैंने ताकि आपको यह समझे ऑन वन पर्टिकुलर असेट वी आर कंप्यूटिंग डिप्रेशन ऑन द होल ब्लॉक तो फाइव असेट मैंने परचेस किए थे फॉर एटी लाख यू जस्ट फुल डेप्रिसिएशन और हाफ डेप्रिसिएशन फुल डेप्रिसिएशन Full depreciation. depreciation. First January two thousand twenty. I purchased another three asset for worth worth rupees sixty lakh. Full or half? Half depreciation. Half depreciation. Half depreciation. I did not assume this particular assessee is a manufacturing assessee to ignore additional depreciation for time being in because unless and until question specified that assessee is engaged into manufacturing and power generation, you should not be computing additional depreciation. डू यू बिलीव दट आई हैव यूज दिस असेट फॉर ऑलमोस्ट होल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च के असेट पीछे तो विल यू प्रोवाइड डिप्रिशिएशन ऑन दिस A please reply will you provide everyone either chat box or unmute yourself and tell me yes or no will you provide depreciation on asset which is sold on the last date of the previous year i did not teach yes. you. let me tell you i did not teach you this my that point is pending i'm just asking your under, i'm just checking your understanding so your answer is yes but here answer is big no 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 no, no. Income tax says we will never, never, never provide depreciation on asset which is sold during the previous year. We don't provide why, where, how, everything I'll explain. But please remember, we don't provide depreciation on asset which is sold during the previous year because we provide depreciation on closing WDV of the asset.

आप wdv एज ऑन डेट ऑफ सेल निकालने का ट्राई करते हो ना हमेशा हेलो आप wdv डेट जो एसेट सोल्ड होता है उसका wdv निकालते हो और उसके बाद क्या डिटरमाइन करते हो प्रॉफिट ऑन सेल एंड लॉस ऑन सेल राइट यस yes. और मैंने आपको पूछा yes. था कि मैंने आपको पूछा था ये आइटम कैपिटल आइटम है फिर भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता है ये पूछा था मैंने आप लोगों को और आपने मुझे उसका आंसर नहीं दिया था डू यू रिमेंबर

One second, 180 days or more. चलो ठीक है. है, है. तो हाँ है। और वन एटी डेज और मोर फुलशन वाले हैं एटी लाख के फाइव तो यहां पे मैंने एटी लिखा यहां पे फाइव असेट लिख दिया चलो ये भी ठीक है टोटल ले लेता हूं यहाँ पे सब टोटल हंड्रेड प्लस एटी प्लस सिक्सटी टू फोर्टी टोटल कितने हैं एटीन प्लस एटीन प्लस फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी सिक्स मेरे पास टोटल असेट है इसमें से भी लेस होगा मनी पेएबल मैंने अभी तक आपको ये पॉइंट पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ाना चालू कर दिया मैंने रफ में यहां से हम सेलिंग प्राइस माइनस करते कॉस्ट प्राइस नहीं अकाउंट में आप लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो वी डोंट सब्ट्रैक्ट कॉस्ट प्राइस वी सब्ट्रैक्ट सिंपल सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है देख लो कब बेचा है उससे लेना देना भी नहीं है ठीक है ना 30 लाख का फोर असेट सेल किया आप लोगों ने ओके माइनस कर दो थर्टी लाख यहाँ से एकदम सिंपल फोर असेट माइनस कर दो यहाँ से तो ये आएगा क्लोजिंग WDV डीवी ट्वेंटी सिक्स में से फोर गया तो ट्वेंटी टू एंड टू फोर्टी में से थर्टी गया तो टू टेन ये जो क्लोजिंग WDV डीवी आया ना वी कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑन दिस ठीक है ना ये क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है इसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो लेस डेप्रिसिएशन जो भी आएगा माइनस कर लेंगे और इसके बाद जो बच जाएगा वो होता है ओपनिंग डब्ल्यू डीवी एड ऑन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नेक्स्ट ईयर के लिए ये चल जाएगा ट्वेंटी टू असेट जाएंगे अपनी वैल्यू के साथ वर्किंग नोट चालू कर देता हूं आप लोगों का इतना हो गया होगा लिख के मेरे साथ ही वर्किंग नोट नंबर वन डिप्रिसिएशन पहला डिप्रिशिएशन हम हमेशा निकालते हैं असेट विच इज पुट टू यूज फॉर लेस देन वन एटी डेज कैन यू प्लीज टेल मी ये टू टेन में लेस देन वन एटी डेज वाला कितना है लाख लाख तो इसको पहले प्रोवाइड कर दो ठीक है ना सिक्सटी लाख इंटू फिफ्टीन परसेंट इंटू क्या करूं करो करो कितना आता है देखो 16 15 करो, four, four आएगा answer, आएगा लिखना आंसर और दूसरा फिर सेकेंड में क्या लिखू यहाँ पे बता दो ना मुझे यहाँ पे यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज करूं मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा

150 15%. तो ये आ गया गया टोटल कितना हो से तो वन एटी थ्री लाख नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बोलो यहां तक क्लियर है ये लिख लो पहले लिख लो कुछ डाउट होगा तो पूछो मुझे